Hey everyone, welcome back to our YouTube channel Team D Official. मैं हूं डी गोरी। तो गाइस आज का जो मुकाबला होने वाला है वो होने वाला है टीम डी बनाम टीम फैब। तो गाइस मुकाबला काफी बेहतरीन है। टीम डी की लाइन की बात करें, लवर राज पैंथर सैडो पूरी तरीके से तैयार, एंड देखना होगा भाई कौन सी टीम पहला राउंड यहां पे अपने हक में लेके जाते हैं। द शो हैज बिगन, एंड भाई क्या रेड नंबर के शोट यहां पे टीम डी की तरफ से देखने को मिलेंगे या फिर टीम फैब की तरफ से देखने को मिलेंगे। फैब की तरफ से सत्यम चैप्टर रॉकी, एंड भाई ये काफी यूनिक नाम अलग नाम होने वाला है। लेकिन गाइस 44 का मुकाबला टीम डी बनाम टीम फैब गाइस मुकाबला होने वाला है। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन हियर। पहला राउंड किसके हक में जाने वाला है? जी बढ़िया शॉट, लेकिन यहां पे अपने आप भी डाउन हो जाएंगे। ये भाई जरूर गिव एंड टेक वाली सिचुएशन, एक प्लेयर को जरूर यहां पे डाउन लेके गए लेकिन खुद भी डाउन हो चुके हैं पैंथर। एंड गाइस 3v3 का मुकाबला, एक प्लेयर जरूर यहां पे डाउन हो चुके हैं। राज काफी तेज से आगे जाते हुए लवर अपनी पोजीशन पे तैनात है। राज ने डैमेज अच्छा खासा यहां पे यूएमपी के दिया है, लेकिन क्रोनो का इस्तेमाल सामने तरफ किया गया, बच के जरूर रहना होगा। लेकिन बढ़िया रेड नंबर है शॉट, एक और प्लेयर को यहां पे डाउन लेके गए। एंड गाइस 2v3 का मुकाबला, पैंथर को अभी तक रिवाइवल संभव नहीं हुआ। जी लवर भी इसी बीच डाउन हो जाएंगे। 2v2 का मुकाबला, चैप्टर रॉकी बचे, एंड जी चैप्टर यहां पे जरूर डाउन हुआ है लेकिन रॉकी अकेले बचे। 1v2 का गाइस मुकाबला, एंड शैडो का शायद यहां पे नेट थोड़ा सा हल्का सा लेट आया था लेकिन शायद रिवाइवल संभव यहां पे करवा दिया गया पैंथर भाई को। लेकिन 1v3 का गाइस मुकाबला, एंड बिजी पैंथर यहां पे बेस्ट गेमिंग के लीडर होने वाले, स्पोर्ट टीम के काफी बेहतरीन गाइस खिलाड़ी होने वाले, लेकिन देखना होगा यहां पे। पहला राउंड मेरे को लग रहा है एक इजी शुरुआत यहां पे की जाएगी टीम डी की तरफ से। जी एक प्लेयर को जरूर यहां पे डाउन लेके गए हैं रॉकी, काफी यहां पे बेहतरीन मुकाबला। लेकिन राज की तरफ से यहां पे ट्रिपल किल सुपर राउंड, पहले राउंड में यहां पे दरकार को पुख्ता करते हुए, दरकार थी पहले राउंड की, दरकार को पूरा किया एंड एक अच्छी शुरुआत की। बिकॉज ए गुड बिगनिंग मेक्स ए गुड एंडिंग, एक अच्छी शुरुआत अगर यहां पे कोई भी टीम करती है तो कहीं ना कहीं लास्ट तक उसका एडवांटेज जरूर रहता है, एंड उसी एडवांटेज का फायदा भी टीम डी को मिलने वाला है। एंड यहां पे देखना होगा फैब क्या वापसी करने वाली है या फिर टीम डी दोबारा से ऐसे ही कंक्रीट करने वाली है। दूसरा राउंड आज को गाइस और दूसरा राउंड में पोचिनोंग में पहुंच गए। 44 का मुकाबला टीम डी बनाम टीम फैब गाइस मुकाबला होने वाला है। सत्यम को अपनी टीम को संभालना होगा, 1-0 की लीड होने वाली है टीम डी के पास। कोई मौका ना देते हुए टीम डी काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए मेरे को नजर आ रही है। एंड लुक एट द पोजीशन गाइस, यहां पे राज एंड पैंथर एक साथ मिलकर खेल रहे। जी काफी अच्छा खासा डैमेज यहां पे राज को चुका है, थोड़ा सा बच के रहना होगा। सोडो यहां पे हाई ग्राउंड पे होने वाले हैं, एडवांटेज उठा सकते हैं लेकिन क्या उठा पाएंगे। जी पैंथर की तरफ से एक प्लेयर को जरूर यहां पे डाउन ले लेगा, लेकिन पैंथर यहां पे डाउन हो चुके हैं। यहां पे थोड़ी सी मुश्किलें जरूर होने वाली है, अंदर की तरफ एक प्लेयर आ रहे हैं लेकिन भाई बढ़िया रेड नंबर का शूट, एंड पैंथर को रिवाइवल इजीली यहां पे संभव हो जाएगा। देखते देखते यहां पे सारे प्लेयर डाउन हो चुके हैं, अकेले प्लेयर यहां पे बीजी के मेरे को बसते हुए नजर आ रहे। क्या वो रॉकी होने वाले हैं, सत्यम होने वाले हैं? क्योंकि भाई मुश्किलों में काफी होने वाली है अभी अगर बात करें, क्योंकि टीम डी पूरी तरीके से इस मैच पर अपने पैर गड़ाते हुए मेरे को नजर आ रहे, कोई मौका देते हुए मेरे को नजर नहीं आ रहे। और अभी यहां पे कमाल करके दिखाना होगा। जी यहां पे रॉकी बचे हुए, एंड कमाल करके दिखाना होगा फैब की टीम को, क्योंकि भाई अभी अगर कमाल नहीं किया तो बाद में कुछ फायदा नहीं होगा। जब चिड़िया ही खेल चुक जाएगी तो उसके बाद भाई वापसी करने का फायदा नहीं होगा, जब मैच ही खत्म हो जाएगा। एंड मेरे को ऐसा ही लग रहा है यहां पे सिनेरियो, जिस तरीके से यहां पे टीम डी पूरी एक डोमिनेशन के साथ मेरे को खेलते हुए नजर आ रही है, 2-0 की लीड बना चुके। दूसरी तरफ रॉकी का खाता जरूर खुला, 2 किल उठाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सत्यम चैप्टर का खाता अभी तक खुलने में नाकाम है। लेकिन गाइस 2-0 की लीड से इस मैच में आगे जाती हुई टीम डी। तीसरा राउंड आ चुका है गाइस और तीसरे राउंड में कटोल स्टेज में पहुंच चुके हैं। टीम फैब को एक साथ मिलकर खेलने की जरूरत है, दे हैव टू प्ले टुगेदर, तभी इस मुकाबले में कहीं ना कहीं यहां पे कमबैक कर सकते हैं। अगर यहां पे एक साथ मिलकर नहीं खेलेंगे, कोऑर्डिनेशन बना के नहीं खेलेंगे तो टीम डी छोड़ने वाली नहीं है। लवर काफी बेहतरीन यहां पे स्नाइपर होने वाले, एंड आज इनका साथ पैंथर भाई देने वाले। तो गाइस 44 का मुकाबला टीम डी बनाम टीम फैब ये मुकाबला होने वाला है, एंड भाई काफी बेहतरीन। जी एक प्लेयर जरूर यहां पे डाउन लेके गया, सामने तरफ एक प्लेयर रॉकी के यहां पे रिवाइवल संभव करवा पाएंगे। जी ने यहां पे सामने तरफ एक प्लेयर जरूर यहां पे डाउन हो चुका, लेकिन मेरे को लग रहा है पे गलती जरूर की जा रही है। लेकिन इसी बीच यहां पे पैंथर पीछे से आएंगे, बढ़िया राइट नंबर के शॉट के साथ एक और प्लेयर को यहां पे डाउन लेके जाएंगे, लगातार यहां पे फायरिंग करते मेरे को जरूर नजर आ रहे। लेकिन 1v3 का मुकाबला है, ज्यादा देर चल नहीं पाएंगे, एंड इसी के साथ यहां पे डाउन लेके जाएंगे। एंड जैसा मैं बोला था कि थोड़ा सा यहां पे कोऑर्डिनेशन के साथ यहां पे मिलकर खेलना चाहिए, लेकिन यहां पे गलतियां जरूर की जा रही है, जिसका फायदा पूरी तरीके से टीम डी उठाती हुई एंड हैट्रिक लगाती हुई 3 राउंड बैक टू बैक अपने खाते में जोड़कर 3-0 की लीड से आगे जाती हुई। चौथा राउंड आ चुका है गाइस और चौथे राउंड में मास सेलेक्ट में पहुंच गया लवर राज पैंथर सैडो पूरी तरीके से यहां पे तैनात, एंड पैंथर काफी बड़ा फ्लैंक करके जा रहे हैं। क्या कामयाब हो पाएंगे ये जरूर देखना होगा। जी यहां पे काफी बेहतरीन उम्दा खिलाड़ी होने वाले हैं, एंड भाई पोजीशन की अगर बात करें तो राज जरूर यहां पे कवर मिल सकता है पैंथर का, लेकिन बच के यहां पे रहना होगा। लवर की हेल्थ है लिटरली ना के बराबर बची है,
पीछे से कवर देने की कोशिश जरूर करते हैं। सत्यम को भी डैमेज पड़ चुका है, लेकिन एक और प्ले टीम फैब का यहाँ पे डाउन हो चुका। अब की बार भी यहाँ पे हमला बोला गया, पहला बल्ले राज की तरफ से, एंड राज आज मेरे को लग रहा है कोहराम मचाते हुए नजर आ रहे, काफी उमदा खिलाड़ी होने वाले। पैंथर की तरफ से चैप्टर को अभी डाउन ले लिया गया, जी यहाँ पे कंफर्म भी कर दिया जाएगा 2v4 का मुकाबला, और यहाँ पे पूरी तरीके से धराशाई करते हुए मेरे को नजर आ रहे, पर खच्चे उड़ाते हुए नजर आ रहे टीम फैब के, क्योंकि मौका नहीं होने वाला। तीन ऐसे प्ले जिनका अभी तक खाता नहीं खुला, पैंथर ऊपर की तरफ जाएंगे एंड शायद यहाँ पे सत्तम को जी यहाँ पे डाउन लेके जाएंगे यूएमपी से। एंड थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे एक अलग डोमिनेशन चल रहा है टीम डी का, लवर राज्य पैंथर साइड कोई मौका नहीं दे रहे। यहाँ पे तीन ऐसे प्लेयर है टीम फैब के जिनका खाता नहीं खुला, काफी बड़े परेशानी जरूर होने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे वापसी का संकेत जरूर देना होगा सत्तम को, तभी इस मुकाबले में बने रह सकते हैं, वरना टीम डी ऐसे ही कॉन्क्रीट करती रहेगी एंड एक एक राउंड जोड़ के इस मैच को जीत की तरफ लेके जाती रहेगी। पांचवा राउंड आ चुका है और पांचवें राउंड में मिल पे पहुंच चुके 4v4 का मुकाबला, एंड टीम फैब भाई रिस्क तो लेना होगा, इफ यू डोंट टेक रिस्क यू कांट विन, बिना रिस्क के यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। जी यहाँ पे काफी बढ़िया यहाँ पे डैमेज देते मेरे को नजर आ रहे, और ये डैमेज जो है आगे चल के काफी बड़ा साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये डैमेज दे दिया तो रश करने के मूड में मेरे को लग रहा है टीम डी के प्लेयर। जी ऊपर की तरफ राज जरूर जाएंगे, गलती हो सकती है, लेकिन यहाँ पे साइडो को नेक प्ले को यहाँ पे डाउन लेके गए साइडो लगातार, एंड व्हाट अ रेड नंबर शॉट बाय द पैंथर भाई, अलग ही लेवल यहाँ पे रेड नंबर की शॉट लगाए जा रहे। एक और प्ले को यहाँ पे डाउन लेके जाएंगे एक और, लेकिन यहाँ पे गलती कर गए, झुंड के बीच में यहाँ पे घुस गए, लेकिन यहाँ पे 2v3 का मुकाबला, रिवाइवल अगर प्ले इसको संभव हो जाता है तो कहीं ना कहीं मुश्किल है, लेकिन जी नहीं, यहाँ पे एक और प्ले को यहाँ पे डाउन ले लिया जाएगा, राज ऊपर की तरफ होने वाले, सैडो यहाँ पे डाउन हो चुके, एंड देखना होगा यहाँ पे 1v2 का मुकाबला, लवर लवर क्या कमाल करने वाले, डबल सराय पे चलाते हुए नजर आ रहे सत्यम अकेले बच्चे, क्या अपनी टीम को यहाँ पे वापसी करा पाएंगे, क्या अपनी टीम को यहाँ पे वापसी करा पाएंगे। एक मौका जरूर होने वाला था सत्यम के पास, लेकिन सत्यम ने मौके का फायदा ना उठा पाए, लेकिन मौके का फायदा राज ने उठाया, 9 किल कर चुके हैं 5 राउंडों में, एंड बैक टू बैक गाइस 5 राउंड जोड़े हैं, क्या ही बेहतरीन गाइस इस मुकाबले में, जबरदस्त मुकाबले में सत्यम ने जरूर अपना खाता खोला, लेकिन कहीं ना कहीं टीम फैब अभी भी काफी पीछे है। छठे राउंड आ चुके गाइस, और छठे राउंड में गाइस हम पहुंच चुके हैं हैंगर में, मुकाबला काफी उमदा, एंड जी ये शॉट मैं पहले ही बोल रहा हूं कि ये शॉट काफी परेशान करने वाले है, क्योंकि यहाँ पे मौको भी आ चुका है और दूसरी तरफ यहाँ पे भाई मैडी भी यूज कर लेंगे प्ले, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लास्ट तक जाने में मुश्किल हो जाती है, अगर होल्ड करके सामने वाली टीम खेलती है तो लास्ट तक मुश्किलें काफी बढ़ जाती है, लेकिन गाइस अच्छा खासा डैमेज एक प्ले को जरूर यहाँ पे चैप्टर लगातार डैमेज देने की जरूर कोशिश यहाँ पे जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ी कामयाबी सत्तम को जरूर यहाँ पे डाउन लेके गए 3v4 का गाइस मुकाबला, लवर लुकिंग फॉर द हेडशॉट नहीं लेकिन बॉडी शॉट से यहाँ पे काम जरूर चलाएंगे, एक प्ले को जरूर यहाँ पे डाउन लेके जाएंगे, देखते देखते यहाँ पे सारी टीम के पर खच्चे उड़ा दिए गए हैं, यहाँ पर धागे उधेड़ दिए गए हैं, कोई मौका ना देते हुए रोकी अकेले बचे हुए, लेकिन ज्यादा देर नहीं बच पाएंगे, लवर यहाँ पे लास्ट का किल उठाएंगे, एंड इसी के साथ राज भी अपना सुपर टाइम कंप्लीट करेंगे मात्र 6 राउंडों में गाइस, क्या उमदा खिलाड़ी होने वाले हैं, काफी बेहतरीन यहाँ पे मुकाबला दिखाते हुए सत्यम चैप्टर रोकी भाई, ये प्ले जो होने वाले हैं अभी तक हल ढूंढने में काफी मुश्किल हो रही है इनको, जिस तरीके से यहाँ पे मुकाबला दिखा रहे हैं वापसी का संकेत कहीं ना कहीं देना होगा, अगर नहीं वापसी करते हैं तो ये आखिरी राउंड साबित हो सकता है इस मैच का। 7वां राउंड आ चुका गाइस, और 7वें राउंड में सेंटोसा में पहुंच चुका है, एंड भाई डी राज 10 किल कर चुका है, काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है इस प्ले के 10 किल का सुपर 10 का। जी सामने की तरफ राज के एक प्लेयर होने वाला रश करने के मूड में, यहाँ पे टीम डी के प्लेयर्स लग रहे हैं, लेकिन क्या रश कामयाब हो पाएगा। जी साइडो को डैमेज अच्छा खासा मिल चुका है, बच के यहाँ पे रहना होगा, लास्ट राउंड 7-0 से इस मैच को जीत के लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर गलती करेंगे तो गलती का फायदा यहाँ पे जरूर उठा लिया जाएगा, लेकिन देखते देखते यहाँ पे 2 प्लेयर दोनों डाउन हो चुके, 2 प्लेयर यहाँ पे डाउन हो चुके हैं, 3 प्लेयर यहाँ पे डाउन हो चुके हैं, कोई मौका ना देते हुए आखिरी प्लेयर शायद यहाँ पे बचा 1v2 का मुकाबला, एंड मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे ये प्ले नहीं चल पाएगा, यहाँ पे FXC के कुछ अलग नाम होने वाला है, एंड 1v2 का गाइस यहाँ पे मुकाबला, एंड भाई ये प्ले क्या अपनी टीम को वापसी करा पाएगा, मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि चांसेस नहीं होने वाले, अपना खाता इस राउंड में जरूर खोल चुके, लेकिन कहीं ना कहीं टीम डी एक अलग डोमिनेशन पावर के साथ इस मुकाबले में बूस्टअप होकर खेलते हुए दिखाई दे रहे, चार्जअप होकर खेलते हुए दिखाई दे रहे, और ये आखिरी मौका होने वाला है, अगर इसमें 1v2 का कलश यहाँ पे नहीं निकाला जाता है तो देन इट विल बी द लास्ट राउंड ऑफ द मैच, और भाई 7-0 एक बड़ी लीड के साथ ये मुकाबला टीम डी प्लेयर्स निकाल के लेके जाएंगे। जी यहाँ पे काफी कोशिशें की जा रही है, लेकिन कोशिश क्या कामयाब हो पाएगी ये जरूर देखना होगा। जी एक प्ले को जरूर यहाँ पे डाउन लेके जाएंगे, और यहाँ पे अगर बात करें तो फिर से मारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लवर कोई मौका नहीं देंगे, फिर से राज एंड सैडो मारने की कोशिश कर रहे थे, काफी फनी मोमेंट जरूर होने वाला था भाई, फिर से कौन मारता, क्योंकि भाई 6 पॉइंट की लीड होने के बाद एक अलग कॉन्फिडेंस यहाँ पे प्ले के अंदर आ गया था। एंड राज की बात करें 12 किल के उमदा खिलाड़ी होने वाले, जिस तरीके से यहाँ पे कॉन्क्रीट करके खेल रहे थे, काबिले तारीफ,
मजा आ रहा था इनका गेम देख के, एक अलग लेवल बूस्ट अप हो गए, चार्ज अप हो गए खेलते हुए नजर आ रही थी टीम डी। लेकिन गाइस टीम फैब दो प्लेस का तो खाता नहीं खुला, सॉरी यहां पे एक प्ले का खाता नहीं खुला, एक प्ले का खाता लास्ट में आगे खुल गया था। और भाई राज यहां पे सुपर 10 लगाया, 12 किल के, लवन ने 7 किल के, पैंथर ने गाइस 7 किल के, शैडो आज थोड़ा सा कम चल पाए, 2 किल कर पाए। लेकिन गाइस क्या मुकाबला रहा, 7-0 एक बड़ी लीड होने वाली है। टीम फैब को कोई मौका नहीं दिया, 7 तक का यहां पे खाता नहीं खुलने दिया टीम डी ने। एंड भाई मुकाबला क्या ही उम्दा यहां पे दिखाया। दूसरी तरफ गाइस अगर बात करें तो फैब रोकी 4 किल यहां पे किए अपनी टीम की तरफ से, एमवीपी रहे। एंड भाई दूसरी तरफ अगले प्लेयर की बात करें, 1 किल कर पाए, 7 1 किल कर पाए, चैप्टर यहां पे 1 भी किल यहां पे नहीं कर पाए, जो कि काफी बड़ी यहां पे कमजोर खड़ी है। एंड भाई कहीं ना कहीं एक अलग डोमिनेशन के साथ टीम डी गाइस 7-0 से मुकाबला निकाल के लेके गई। तो गाइस आपको मुकाबला कैसा लगा जल्दी जल्दी मेरे को कमेंट करके बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल के, टेक केयर गाइस।